वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल पेपर हैकर। कैसे हैं आप सभी लोग? आई होप अच्छे होंगे। और आज के इस वीडियो में देखने वाले हैं हम लोग जो भी बीए फर्स्ट सेमेस्टर में है, और उनके लिए हम फर्स्ट सेमेस्टर वालों के लिए इकोनॉमिक्स का पेपर लेके आए बेटा। ठीक है, इकोनॉमिक्स, ठीक है, इकोनॉमिक्स का पेपर है, और जिसमें हम देखेंगे एमसीक्यू, मतलब कि बहुविकल्पी क्वेश्चन। ठीक है, ऑब्जेक्टिव जिसे बोल क्वेश्चन बोला जाता है, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन 2022 और 23 जो एग्जाम है हमारा, 2022-23 जो एग्जाम हो रहा है, अभी हाल ही में हो रहा है, उसके लिए मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। मैं आपसे वादा कर सकता हूं एक भी क्वेश्चन यहां से बाहर नहीं जाएगा। वस्तुनिष्ठ क्वेश्चन की बात करेंगे, और इसमें अति लघु उत्तर प्रश्न मतलब एक क्वेश्चन होगा, उसके नीचे एक आंसर छोटा सा दिया होगा, वही अति लघु उत्तर प्रश्न के अंतर्गत आता है। और आपको जितनी भी देखो 8 यूनिट में आपको फर्स्ट सेमेस्टर वालों को डिवाइड किया गया है पूरे बुक को, तो मैं यहां बात करने वाले हैं जितनी भी हो सकता है। मैं आपको इस वीडियो में शायद पार्ट 1 या पार्ट 2 पार्ट 3 तीन बनाऊंगा, 3 से ज्यादा नहीं बनाऊंगा, क्योंकि एमसीक्यू क्वेश्चन मोस्ट मोस्ट इंपोर्टेंट दूंगा, जो आपके 2022 के एग्जाम 2023 में एग्जाम में जो आ रहे हैं, इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन, मतलब छपेंगे ये क्वेश्चन, समझ लेना। मैं आपसे वादा कर सकता हूं कि यहां से बाहर कुछ नहीं जाएगा। आप हमारी इस पीडीएफ को भी डाउनलोड कर सकते हैं, पीडीएफ का लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे रखा है, टेलीग्राम का, टेलीग्राम पर जैसे टच करोगे तो वहां सारे नोट्स आपको मिल जाएंगे हमारे रिटन एग्जाम से रिलेटेड, और रिटन एग्जाम के साथ साथ हमने एमसीक्यू क्वेश्चन भी दे रखे हैं। आप उसे टेलीग्राम में ऊपर नीचे करके देख लीजिए, आप बीए के हो, बीएससी के हो, बीकॉम के हो, सारे हमने नोट्स प्रोवाइड करा रखे हैं, वहां जाकर डाउनलोड कर सकते हैं, लिंक ऑप्शन बॉक्स में है टेलीग्राम का, जाके डाउनलोड कर लो। या फिर आप टेलीग्राम को जहां ही जाना चाहते हैं कि टेलीग्राम पता नहीं क्या, लेकिन टेलीग्राम से आप आराम से कर पाओगे यदि वहां उस टेलीग्राम को सब्सक्राइब कर लेना। यदि साथ में मैं आपको बता दूं क्या करना है, यदि आपको ऐसा कोई दिक्कत आ रही है तो बीए आप बीए बाई पेपर हैकर यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर लो, जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है, नीचे जाइए, एक दूसरा चैनल है बीए बाई पेपर हैकर, उसको सब्सक्राइब कर लो, उसके डिस्क्रिप्शन बॉक्स में किसी भी आप टच करोगे तो वहां आपको सारे नोट्स के लिंक दे देंगे, क्योंकि वहां केवल हम बीए की वीडियो प्रोवाइड करते हैं। बीकॉम बाई जो छात्र हैं तो बीकॉम बाई पेपर हैकर पर देख ले, और बीएससी बाई जो छात्र हैं बीएससी बाई देख ले, एमएससी वाले एमकॉम वाले सबको अलग अलग अपने चैनल बना रखे, लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाकर सब्सक्राइब कर सकते हैं। ठीक है, अब यहाँ आप ध्यान से देख लीजिए, पहला क्वेश्चन आपके सामने है, पहला क्वेश्चन है अर्थशास्त्र राष्ट्र के धन की, देखो कह रहा धन की प्रकृति एवं कारणों की जांच है, ये परिभाषा किसकी, ये किसके द्वारा दी गई थी? तो ये बताया गया कि जो अर्थशास्त्र है वो राष्ट्रों के धन की प्रकृति एवं कारणों की जांच है, ये परिभाषा किसने दी थी? तो आप कहेंगे जो दी थी वो राष्ट्र की, देखो इकोनॉमिक्स की खोज किसने की थी, आप कहोगे स्मिथ द्वारा की गई थी, एडम स्मिथ के द्वारा, किसके द्वारा, स्मिथ के द्वारा की गई थी राष्ट्र, और इन्हीं ने ये परिभाषा दी थी कि अर्थशास्त्र राष्ट्रों की धन की प्रकृति एवं कारणों की जांच है। तो ये किसने, स्मिथ, याद रखना, स्मिथ को याद रखना, ये मोस्ट इंपोर्टेंट, स्मिथ याद रखना। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन बोला गया है मूल समस्याएं चुनाव की समस्याएं हैं, ठीक है, ये किस अर्थशास्त्र की परिभाषा है बताइए, ये किसने कहा था, ये ऑप्शन नंबर बी को लॉक करेंगे, ये सोविन कह सकते हैं रोबिन्स द्वारा कहा गया था, रोबिन्स, ऑप्शन नंबर बी को लॉक करना है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है, ध्यान से देखेंगे, यहां कह रहा है आर्थिक नियमों को, ठीक है, काल्पनिक किसने बताया था, जो आर्थिक नियम होते हैं उनको काल्पनिक किसने बताया, काल्पनिक बताइए, काल्पनिक किसने बताया था, तो आप होंगे ये बताया था मार्शल ने, ऑप्शन नंबर ए को लॉक करना है, मार्शल द्वारा कहा गया था ये काल्पनिक है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन बोला गया है फलन बाई बराबर एफ ब्रेकेट एक्स में जो एक्स का मान होता है वो क्या होता है बताना है, स्वतंत्र चर होता है बेटा, ऑप्शन नंबर ए को लॉक कर देना, कभी भी ये क्वेश्चन मोस्ट इंपोर्टेंट है, यहां से बाहर कुछ नहीं जाएगा। आप हमारी पीडीएफ को जरूर डाउनलोड कर लेना, पीडीएफ का लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे रखा है। ठीक है, यहां देखो बोला गया है साम्य शब्द की अवधारणा का प्रतिपादन किसके द्वारा किया गया, तो साम्य शब्द की अवधारणा का जो प्रतिपादन किया गया वो किसके द्वारा किया गया, ये हमसे पूछा गया है, बताइए वो किसके द्वारा किया गया, तो आप बोलो प्रोफेसर जो पीयू थे उनके द्वारा किया गया, ऑप्शन नंबर बी को लॉक कर देना। नेक्स्ट क्वेश्चन है कीमत विभेद की अवस्था में एकाधिकारी जिस बाजार में मांग की लोच अधिक होगी वो क्या होगा, उसमें क्या होगा, उसमें कीमत नीचे रहेगा हमेशा, उसमें कैसा रहता है बेटा, कीमत नीचे रहेगा, ऑप्शन नंबर बी को लॉक कर देना। नेक्स्ट क्वेश्चन बोला गया है विभेदात्मक एकाधिकारी उस बाजार में वस्तु की कीमत कम रखेगा जहां पर की वस्तु की मांग की लोच कैसी होती है, अधिक होती है, जहां लोच अधिक होगी वहीं कीमत की मांग क्या होगी, कम रखेगा। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर जिसने भी दिया है ए परम सत्य आंसर होगा, एक ऑप्शन को यहां लॉक कर देंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन बोला गया है देखो यह बोला है विभेदकारी एकाधिकारी के साम्य के लिए आवश्यक होता है, तो वो क्या आवश्यक होता है, वो होता है एमआर क्या होता है, बड़ा होता है एमसी से, याद रखना इस तरीके से, ऑप्शन नंबर ए को लॉक कर देना। नेक्स्ट क्वेश्चन है कीमत विभेद संभव होता है, कीमत विभेद किसमें संभव होता है बेटा, एक बार इस क्वेश्चन को देख लेंगे सभी लोग, ऑप्शन नंबर 9 वाले क्वेश्चन का आंसर क्या रहने वाला है बताइए,
तो आप बोलोगे उपरोक्त सभी हो जाएगा दशाओं के कारण, जैसे उपभोक्ता की विशेषताओं के कारण, साथ ही साथ वस्तु की कह सकते हैं स्वभाव के कारण और कानूनी स्वीकृति के कारण। ऑप्शन नंबर यहां डी को लॉक करेंगे, यहां तीनों ऑप्शन राइट होंगे। दसवां क्वेश्चन बोला गया है कीमत विभेद की उस समय कह सकते हैं लाभदायक होती है, जबकि देखो कीमत विभेद उस समय उसी समय लाभदायक होती है जिस समय क्या होता है, जबकि क्या होता है बेटा, तो आप बोलोगे जो जबकि की ऑप्शन होगा वो हो जाएगा हमारा कि मांग की लोच में अंतर होता है। ठीक है, जबकि मांग की लोच में क्या होता है बेटा, अंतर होता है। ऑप्शन नंबर सी को लॉक कर देना। नेक्स्ट क्वेश्चन बोला गया है प्रकृतिवादी और आशावाद। ठीक है, देखो प्रकृतिवादी और आशावाद के विचार निम्नलिखित में से किससे संबंधित है बताइए, वो किससे संबंधित थे, तो आप सभी का आएगा वो स्मिथ द्वारा संबंधित थे जिसने अर्थशास्त्र की खोज की थी। नेक्स्ट क्वेश्चन बोला गया है आधुनिक अर्थशास्त्र के जन्मदाता कौन है, तो आधुनिक अर्थशास्त्र के जो जन्मदाता है वो कौन है, तो आप कहोगे जो अर्थ देखो मैंने कहा स्मिथ है तो आप स्मिथ को लगाइए, एडम स्मिथ यही क्या थे जो इकोनॉमिक्स के जन्मदाता थे। यहां कह रहा है एडम स्मिथ विरोधी थे, किस चीज के विरोधी थे, तो आप कहोगे आर्थिक स्वतंत्रता के विरोधी थे, आर्थिक स्वतंत्रता के। ठीक है, याद रखना आर्थिक स्वतंत्रता के विरोधी थे। ठीक है, ऑप्शन नंबर नहीं यार ये गलत हो गया बेटा, ऑप्शन नंबर ए होगा इसका, आर्थिक स्वतंत्रता के नहीं बल्कि क्या हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए को लगाएंगे, ए को राजकीय हस्तक्षेप के, राजकीय हस्तक्षेप के क्या थे विरोधी थे, ऑप्शन नंबर ए को लगाना। ठीक है, ए इज राइट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन बोला गया, चौदवा क्वेश्चन बोला गया एडम स्मिथ की उत्पत्ति के किस साधन को सर्वाधिक महत्व प्रदान किया, तो सबसे ज्यादा श्रम को उन्होंने, श्रम के लिए जो मेहनत करेगा उसी ने उन्हीं को ही उन्होंने महत्व प्रदान किया था, तो ऑप्शन नंबर बी को लॉक करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन यहां बोला गया है कह सकते हैं करारोपण का कौन सा सिद्धांत स्मिथ द्वारा नहीं दिया गया, तो करारोपण का जो सिद्धांत था वो दिया था समानता का सिद्धांत, ये स्मिथ द्वारा नहीं दिया गया था, तो ऑप्शन नंबर ए को लॉक करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन बोला गया है सोलह एडम स्मिथ ने निम्नलिखित में से किसका समर्थक नहीं किया, तो किसका समर्थक नहीं किया था, तो आप कहेंगे वो नहीं किया था धन का संकेंद्रण का, ऑप्शन नंबर ए को लॉक करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन यहां देखिए सत्रहवां क्वेश्चन बोला है स्मिथ के अनुसार समाज का या समाज को संगठित का आधार क्या है, मतलब समाज का संगठन का आधार क्या है स्मिथ के अनुसार, ये बोला गया है, तो जिसने भी ऑप्शन नंबर दिया प्राकृतिक अवस्थाएं बिल्कुल बीज राइट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन बोला गया स्मिथ आर्थिक विकास की ऐसी आर्थिक विकास की कैसी नीति का समर्थक है, देखिए स्मिथ थे वो आर्थिक विकास की कैसी नीति के समर्थक थे, तो आप कहोगे वो थे संतुलित से, संतुलित जो नीति थी उससे संबंधित थे, उससे समर्थक थे, ऑप्शन नंबर ए को लॉक करेंगे। नेक्स्ट बोला स्मिथ व्यापार नीति के समर्थक थे, स्मिथ थे वो व्यापार नीति के समर्थक, कौन से व्यापार नीति के समर्थक थे आपको बताना है, तो आप बोलोगे सतत व्यापार से संबंधित थे, ऑप्शन नंबर ए को लॉक करेंगे सतत व्यापार। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन यहां बोला गया है प्रतिष्ठित अर्थशास्त्र एडम स्मिथ के आर्थिक विकास का सिद्धांत आधारित था, तो वो किस पे आधारित है, तो आप कहेंगे वो था बेटा ऑप्शन नंबर जो 20 का दिया है जिसने भी डी इज राइट कह सकते हैं श्रम विभाजन से, स्वतंत्र व्यापार से और पूंजी संचयन से, ऑप्शन नंबर डी की लॉक करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन यहां बोला है अर्थशास्त्र के जनक कौन है, मैंने अभी आपको बताया स्मिथ है। नेक्स्ट क्वेश्चन यहां देखेंगे 22वां क्वेश्चन चुनाव की समस्या संबंधित है, चुनाव की समस्या किससे संबंधित थी देखिए, तो आप कहोगे ये सभी से असीमित अवस्थाओं से भी थी, सीमित साधनों से थी और साधनों के वैकल्पिक प्रयोग से भी थी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन यहां बोला गया है रोबिन्स के अनुसार अर्थशास्त्र है, रोबिन्स के अनुसार अर्थशास्त्र वो क्या था बताइए, तो आप कहोगे केवल एक वास्तविक विज्ञान था बेटा, ऑप्शन नंबर सी को लॉक कर देना। नेक्स्ट क्वेश्चन यहां बोला गया है ध्यान से देखेंगे जब किसी वस्तु की कीमत बढ़ती है तो उसमें क्या होगा उसकी मांग गिरेगी, तो आप कहोगे जब कीमत उसकी बढ़ती है तो मांग क्या होगा, मांग कम होगी गिरेगी तभी तो उसकी कीमत बढ़ेगी, चलो कि मांग ज्यादा हो जाएगी ये चीज है। नेक्स्ट क्वेश्चन बोला गया मांग रेखा, देखो कह रहा है मांग रेखाएं दाएं और नीचे की ओर झुकती हैं, या कह सकते हैं मांग वक्र बाएं से दाएं की ओर, मतलब कि बाएं से दाएं की ओर नीचे गिरता है, जैसे वक्र ऐसे प्रकार से बढ़ा फिर उसे कम हुई मांग, इस प्रकार से होता है, तो ये बोला गया तो क्या होगा, तो आप कहोगे इसका 25 का जो ऑप्शन है जिसने डी दिया है परम सत्र होता है, आय प्रभाव के कारण भी होता है ये और घटती सीमांत उपयोगिता के कारण भी होता है और साथ ही साथ प्रतिस्थापन प्रभाव के कारण भी ये पोजीशन आती है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन को चलते हैं 26वां क्वेश्चन बोला गया उपभोक्ता की जांच की धारणा निम्न में से किस नियम पर आधारित है बताइए, उपभोक्ता की जो बचत की जो धारणा होती है वो किस नियम पर आधारित होती है,
तो आप कहोगे सीमांत उपयोगिता हॉस नियम पर आधारित होती है। हॉस नियम को याद रखना, ये बहुत ज्यादा पूछा जाता है क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, उपभोक्ता की बचत की अवधारणा सर्वप्रथम किसने प्रस्तुत की थी? तो उपभोक्ता की बचत की जो अवधारणा थी वो किसने प्रस्तुत की थी, आपको ये बताना है। देखो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ये की थी ट्यूपिट ने, ऑप्शन नंबर यहां देखो ड्यूपिट ने की थी, ऑप्शन नंबर ए को लॉक कर देना। मांग की लोच के विचार का प्रतिपादन किसने किया था? तो मांग की लोच का जो विचार था वो दिया था बेटा मार्शल ने, याद रखना मार्शल ने द्वारा दिया गया था, ऑप्शन नंबर बी को लॉक करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन बोला गया, मांग के नियम के अनुसार वस्तु की क्या होती है? मांग के नियम के अनुसार वस्तु की क्या होती है? तो आप कहोगे कीमत कैसी हो जाती है? विपरीत, देखो कीमत और मांग में विपरीत संबंध होते हैं, ऑप्शन नंबर बी को लॉक कर देना। नेक्स्ट क्वेश्चन बोला गया, मांग वक्र का ढाल होता है, मांग वक्र का ढाल किसका होता है? तो आप कहोगे ऋणात्मक ढाल होता है, कैसा होता है बेटा? ऋणात्मक ढाल होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन यहां बोला गया है, 31वां क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा कथन गलत है? तो देखो जो कथन गलत है वो आपको बताना है, तो वो गलत है बेटा कह सकते हैं ऑप्शन नंबर डी को लॉक करेंगे, सेंट साइमन सामूहिक स्वामित्व के पक्षपाती नहीं थे, ये ऑप्शन नंबर एक बिल्कुल गलत है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन यहां बोला गया है, दास कैपिटल किसके द्वारा लिखी गई? जो दास कैपिटल पुस्तक थी वो किसके द्वारा लिखी गई थी, बताइए एक बार सभी लोग कमेंट करके इस क्वेश्चन का आंसर देंगे। बिल्कुल ठीक, जिसने भी ऑप्शन नंबर दिया है कार्ल मार्क्स का, बहुत ही बढ़िया, ऑप्शन नंबर जिसने भी दिया है बी राइट, बिल्कुल बी इज राइट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन यहां बोला गया है, जनरल थ्योरी पुस्तक कब प्रकाशित हुई थी? तो जनरल थ्योरी 1936 में प्रकाशित हुई थी, ऑप्शन नंबर बी को लॉक कर देना। नेक्स्ट क्वेश्चन यहां बोला गया है, देखिए कुछ पुस्तकों के नाम यहां दे रखे हैं, कह रहा है कीन्स द्वारा लिखी पुस्तक का नाम बताना है, तो कीन्स द्वारा द जनरल थ्योरी ऑफ एम्प्लॉयमेंट इंटरेस्टेड एंड मनी, यहां मनी होगा बेटा, देखो यहां दे रखा है इंटरेस्टेड और मनी, 1936 में ये पुस्तक लिखी गई थी, वो कील्स द्वारा लिखी गई थी, ठीक है कीन्स द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन यहां बोला गया, पूर्ति अपनी मांग स्वयं पैदा करती है, ये कथन किसका है? देखो जो पूर्ति होती है वो अपनी मांग स्वयं पैदा करती है, ये जेबीसी ने कहा था। नेक्स्ट क्वेश्चन बोला गया, जीन्स कीन्स का जन्म कब और कहां हुआ था? बेटा जीन्स का जन्म जो 1883 में इंग्लैंड में हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन बोला, विश्व के सभी श्रमों को एकता के सूत्र में बांध जाओ, ये बोला था, ये कथन किसका है? कौन से शास्त्री ने कहा था कि विश्व के सभी श्रमिक हैं जो मजदूर हैं वो एकता के सूत्र में बन जाओ, ये किसने कहा था? तो आपको मार्क्स ने कहा था, ऑप्शन नंबर मार्क्स इज राइट होगा, कार्ल मार्क्स के नाम से जाना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है, यहां देखो यहां इंटरप्रेटर्स कह सकते हैं कि थ्योरी ऑफ बिजनेस इंटरप्रेटर्स लेखक कौन है, तो आपको बैमलेज है। अब यूनिट टू में देख लेते हैं क्या क्या मोस्ट इंपोर्टेंट होंगे, आप एमसीक्यू क्वेश्चनों को देख रहे हैं जो 2022-2023 के लिए मोस्ट इंपोर्टेंट है, आप पीडीएफ को डाउनलोड कर लेंगे, पीडीएफ का लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है, आप नोट्स यदि रिटन एग्जाम जो छात्र का हो रहा है रिटन के भी हमने नोट्स डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दे रखा है, टेलीग्राम का टेलीग्राम पे टच करिए, टेलीग्राम पे जाकर देख सकते हैं, या फिर ऑल नोट्स डाउनलोड लिंक पर भी आप जाकर देख सकते हैं, कोई इशू नहीं है, वहां भी हमने दे रखे हैं, लेकिन अलग अलग सबके नाम के वाइज जो दे रखे हैं आप टेलीग्राम पे चले जाइए, टेलीग्राम को ज्वाइन कर लीजिए, कोई इशू नहीं आने वाला, वहां को सारे लिंक मिल जाएंगे, ठीक है। पेपर हैकर भी सर्च कर सकते हैं तो आपको मिल जाएगा वहां। देखो यहां बोला गया है, पहला क्वेश्चन है औसत उपयोगिता बराबर होती है, जो औसत उपयोगिता किसके बराबर होती है? तो आप कहोगे कुल उपयोगिता और वस्तु की मात्रा के अनुपात के बराबर होती है, ऑप्शन नंबर बी को लॉक कर देना। नेक्स्ट क्वेश्चन यहां बोला गया, सीमांत उपयोगिता से तात्पर्य क्या होता है? सीमांत उपयोगिता का तात्पर्य होता है कि कह सकते हैं उपभोग की अंतिम इकाई से प्राप्त उपयोगिता, ये हमारी सीमांत उपयोगिता का तात्पर्य, मतलब परिभाषा होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन बोला गया, उपयोगिता की माप का गणनावाची विचार किसने दिया था? तो जो उपयोगिता की माप करने का जो विचार दिया था वो किसके द्वारा दिया गया था, बताओ उस राइटर का आपको नाम बताना है, तो आप सभी बताएंगे। तीसरे का जो ऑप्शन रहने वाला है वो है मार्शल इज राइट होगा, प्रोफेसर मार्शल द्वारा दिया गया, ऑप्शन नंबर ए को लॉक कर देना। नेक्स्ट क्वेश्चन बोला, तटस्थता वक्र हमेशा मूल बिंदु ओ की ओर उभर लिया होते हैं क्यों? क्योंकि ये क्यों उभरा हुआ होता है क्यों होता है ये ओ की ओर, ठीक है हाँ, क्यों उभरा हुआ होता है? तो जिसने भी ऑप्शन नंबर देंगे इसका ये ऑप्शन, कहते हैं घटती हुई प्रतिस्थापन की दर के कारण होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, पांचवा क्वेश्चन आपके सामने, इस क्वेश्चन का आंसर सभी लोग कॉमेंट सेक्शन में देंगे। अंधिमान वक्र का ढाल होता है, जो अंधिमान वक्र होता है उसका ढाल किधर को होता है बताइए? पांचवें क्वेश्चन का आंसर वो कहेंगे ऋणात्मक होता है, ढाल कैसा होता है? ऋणात्मक होता है। यहां कह रहा है तटस्था वक्र की विचारधारा आधारित है,
तो तटस्था वक्र की जो विचारधारा होती है वो किस पर आधारित होती है? तो आप कहेंगे देखो गणनावाचक दृष्टिकोण पर होती है और वक्रवाचक दृष्टिकोण पर होती है, तो यहां दोनों को ऑप्शन को सी को लॉक करेंगे, ए और बी राइट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन यहां बोला गया है उपभोक्ता की बचत की धारणा नियम आधारित है, तो मैंने कहा सीमांत दृष्टिकोण हॉर्स के नियम, हॉर्स का नियम याद कर लीजिए, ये मोस्ट इंपोर्टेंट है, इस पर होती है उपभोक्ता की बचत। नेक्स्ट यहां क्वेश्चन बोला है उपभोक्ता की बचत उत्पन्न करने का कारण क्या होता है, बताइए उत्पन्न करने का कारण आपको बताना है। हाँ तो आप कहेंगे उपरोक्त सभी हो जाएगा, मतलब कि पहली इकाई से अधिक दृष्टिकोण मिलना, वस्तु की कीमत समान होना और वस्तु के उसी कीमत की अपेक्षा कम दृष्टिकोण प्राप्त होने से उपभोक्ता का बंद होना, ये तीनों इज राइट होगा, उपभोक्ता की बचत उत्पन्न करने का कारण है। यहां देखिए मैं आपको कुछ क्वेश्चन यहां और भी दे रखे हैं, नवा क्वेश्चन को ध्यान से देखेंगे। नवा क्वेश्चन कह रहा है यदि वस्तु की 6 इकाई प्राप्त हुई कुल दृष्टिकोण 1.75 रुपया है, यहां कह रहा है और सीमांत दृष्टि जो कहते हैं दृष्टिकोण 10 पैसा है और खरीदी गई वस्तुओं की मात्रा 6 है तो उपभोक्ता की बचत क्या होगी। यहां देखिए बात करने वाले हैं, एक वस्तु बोला गया है प्रति मतलब 6 इकाइयों से प्राप्त कुल दृष्टिकोण है इतने रुपया है, ठीक है, और सीमांत उसके इतने पैसा है और खरीदी गई वस्तु इतनी है, उनकी मात्रा 6 खरीदी गई वस्तु है, तो उपभोक्ता की बचत क्या होगी। ठीक है, यदि आपकी बचत की बात की जाए तो यहाँ जो बचत निकल के आएगी हम लोगों की, याद रखना नवे क्वेश्चन की आंसर की बात करने वाले हैं, तो यहाँ 125 पैसा निकल के आएगी। ठीक है, ऑप्शन नंबर बचत इज राइट होगा, सी इज राइट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है उपभोक्ता की बचत सिद्धांत के प्रतिपादक कौन थे, तो देखो बचत का जो सिद्धांत दिया था वो मार्शल ने दिया था, ऑप्शन नंबर ए को लॉक कर देना। नेक्स्ट क्वेश्चन यहां बोला गया है मार्शल के अनुसार दीर्घकाल में वस्तु की ग्रह स्तर का निर्धारण होता है, तो वस्तु की ग्रह स्तर का जो निर्धारण होता है वो कहां तो कैसे होता है, तो आप कहेंगे वो होता है प्रतिनिधि फर्म के औसत लागत से, ऑप्शन नंबर जिसने भी दिया है सी परम सत्य आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन बोला गया है यदि वस्तु की प्रतिनिधि फर्म का विस्तार व संकुचन उद्योग के साथ होता है तो दी गई क्या होती है, तो आप ये किसने दी थी, ये दी गई है तो किसके द्वारा दी गई है ये पूछा गया है, तो यहां 12वें क्वेश्चन का आंसर जिसने भी दिया है प्रोफेसर मेहता बिल्कुल राइट होगा, ऑप्शन नंबर ए को लॉक कर देना है। नेक्स्ट क्वेश्चन बोला है अनुकूलतम फर्म की अवधारणा, ठीक है, उत्पादित की तो किसके द्वारा की गई थी, आपको ड्यूपिट द्वारा की गई थी, ऑप्शन नंबर हम सॉरी यहां 13वें क्वेश्चन की बात की जाए तो ये की थी रोबिन्स द्वारा, ऑप्शन नंबर बी को लॉक करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन बोला गया उपभोक्ता की बचत की अवधारणा सर्वप्रथम किसने प्रस्तुत की थी, तो देखो बचत की अवधारणा किसने दी थी, तो अब बचत की जो अवधारणा दी थी वो गिदे ड्यूम्पिट द्वारा दी गई थी, ऑप्शन नंबर बी को लॉक करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है निष्कृष्ट वस्तु के लिए मांग की आय लोच, या फिर एक दूसरे तरीके से ये क्वेश्चन बनता है आपसे कहेगा कि हीन वस्तु के लिए आय का प्रभाव क्या होता है, जो हीन वस्तु होती है उनके लिए आय का जो प्रभाव होता है वो ऋणात्मक होता है, मतलब कि आपने कुछ गलती की बनाते हुए जो इफेक्ट फीस निकलाते हैं ना किसी चीज के भी, तो वो क्या होते हैं हानि का प्रतीक होते हैं, मतलब कि ऋणात्मक होगा उसमें लॉस जाएगा हमारा, ठीक है ये होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन यहां बोला है उपभोक्ता की बचत की धारणा और वैज्ञानिक स्वरूप देने का श्रेय दिया जाता है तो किसको दिया जाता है, देखो उपभोक्ता की बचत हो रही है और धारणा वैज्ञानिक स्वरूप देने का जो श्रेय दिया जाता है वो किसको दिया जाता है, तो आप होंगे कह सकते हैं मार्शल को दिया जाता है, ऑप्शन नंबर ए को लॉक करोगे। नेक्स्ट को यहाँ क्वेश्चन बोला गया जिन वस्तु की उपभोक्ता की बचत अधिक होती है उसको बताओ, उसको क्या बोला जाता है, तो उसको बोलते हैं बेटा इसमें आंसर इज राइट नो दे रखा है। चलो यहाँ इस क्वेश्चन को कोई क्लियर आंसर नहीं दिया है, ठीक है यहाँ देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, कह रहा है किस अर्थशास्त्री में उपभोक्ता की बचत को क्रेता की बचत कहा है, तो कह रहा है किस अर्थशास्त्री ने उपभोक्ता की बचत को क्रेता की बचत कहा है, क्रेता मतलब होता है खरीदने वाला, ठीक है विक्रेता, अब क्रेता विक्रेता वो है। अब यहां देखो यहां उसने किसने कहा, ये कहा था रॉबर्टसन ने कहा था, ऑप्शन नंबर याद रखना रॉबर्ट कहते हैं रॉबर्टसन बोलते हैं इनको, उन्होंने कहा था, ऑप्शन नंबर ए को लॉक कर देना। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है, इस क्वेश्चन को एक बार सभी लोग देखेंगे, यहां बोला गया है उत्पादन फलन की अंतर्गत दिए गए समय के दौरान उत्पादन की तकनीक है, देखो उत्पादन फलन के अंतर्गत दिए गए समय के दौरान उत्पादन की जो तकनीक होती है वो कौन सी होती है, तो आपको सभी को बताऊंगा 19 का जिसने भी ऑप्शन नंबर दिया है ए, ठीक है वो कैसा होता है बेटा स्तर, यार स्तर रहती है। नेक्स्ट क्वेश्चन बोला अपात
कह सकते हैं अल्पकालीन उत्पादन फलन संबंधित होता है। तो देखो अल्पकालीन उत्पादन फलन जो संबंधित होता है वो होता है परिवर्तनशील अनुपातों के नियम पर, याद रखना परिवर्तनशील अनुपातों के नियम पर होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन बोला दीर्घकालीन उत्पादन फलन संबंधित होता है, तो दीर्घकालीन उत्पादन फलन जो संबंधित होता है वो किससे होता है, तो आप कहोगे पैमाने के प्रतिफल से, पैमाने के प्रतिफल से, यहां देखो पैमाने के प्रतिफल से, ऑप्शन नंबर ए को लॉक कर देना। नेक्स्ट क्वेश्चन बोला गया है उत्पादन फलन का संबंध किससे होता है, तो उत्पन्न फलन का जो संबंध होता है वो एक दी हुई अवधि से होता है बेटा, एक दी हुई अवधि से, एक तारीख से दे रखी, अवधि का मतलब होता है तारीख। नेक्स्ट क्वेश्चन बोला गया अल्पकालीन उत्पादन फलन में कह सकते हैं जो साधनों का बदलता है, मतलब किस चीज में साधन, मतलब अल्पकालीन उत्पादन फलन में साधनों का बदलता है, क्या चीज बदलता है, अनुपात पैमाना ये दोनों, तो आप कहोगे अनुपात बदलता है बेटा, ऑप्शन नंबर ए को लॉक कर दोगे। यूनिट नंबर हम थ्री में पहुंच जाते हैं और थ्री में देखते हैं कैसे कैसे क्वेश्चन आपके लिए मोस्ट इंपोर्टेंट है। ये इकोनॉमिक्स मतलब कि अर्थशास्त्र के एमसीक्यू क्वेश्चन देख रहे हैं, बीएससी बीए फर्स्ट सेमेस्टर की बात करने वाला हूं, ध्यान से आप देखिए यहां से बाहर कुछ नहीं जाएगा, मोस्ट मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन मैं आपको क्लियर कर रहा हूं, ठीक है। तो आप चैनल को अभी सब्सक्राइब कर लीजिए और बीए बाई पेपर हैकर को भी सब्सक्राइब कर लीजिए, जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे रखा है। यहां देखिए बोला गया है, ध्यान से देखेंगे, यहां कह रहा है और कोई भी दिक्कत आती तो प्ले लिस्ट में चला जाया करो, प्ले लिस्ट पूरी बना रखी है। यहां दे रखा है कीमत विभेद, देखो कीमत विभेद की अवस्था में एकाधिकारी जिस बाजार में मांग की लोच अधिक होगी वो क्या होगा, उसमें बेटा उसमें क्या होने वाला है, तो आप कहोगे उसमें कीमत नीचे रहेगी, उसमें कीमत कैसी रहेगी, नीचे रहेगी। नेक्स्ट क्वेश्चन बोला गया है विभेदात्मक एकाधिकारी उस बाजार में वस्तु की कीमत कम रखेगा जहां पर की वस्तु की मांग की लोच कैसी होगी, तो वहां जो वस्तु की मांग की जो लोच होगी वो होगी अधिक, तभी वहीं रखेगा, ऑप्शन नंबर ए को लॉक कर देना। नेक्स्ट क्वेश्चन यहां बोला गया प्रतिनिधि फॉर्म सिद्धांत के प्रतिपादक कौन थे, तो प्रतिनिधि फॉर्म सिद्धांत के प्रतिपादक कौन थे, तो आपका सही आंसर आना चाहिए वो थे मार्शल। नेक्स्ट क्वेश्चन बोला गया कीमत विभेद संभव होता है, तो कीमत विभेद किसमें संभव होता है, चार ऑप्शन आपके सामने, एक बार सभी लोग आंसर दे देना फटाफट दे दो, तो किसमें होता है, आप सभी लोग कमेंट सेक्शन में आंसर देंगे। तो जिसने भी दिया है उपरोक्त सभी दशाओं के कारण, वस्तु के स्वभाव के कारण, उपभोक्ता की विशेषता के कारण और कानून स्वीकृति के कारण, तो ऑप्शन नंबर डी को लॉक करेंगे। पांचवा क्वेश्चन बोला गया है कि कीमत विभेद उसी लाभदायक होता है जबकि, उसी समय लाभदायक होता है जबकि क्या होता है, तो आप कहोगे जो कीमत विभेद उसी समय लाभदायक होता है जबकि मांग कह सकते हैं मांग की लोच में अंतर हो। नेक्स्ट क्वेश्चन बोला गया है सम उत्पाद वक्र की तकनीकी प्रतिस्थापन की दर होती है, तो देखो जो सम उत्पादन वक्र होता है उसकी विस्थापन की दर पूछ रहा है हमसे, तो वो होती है एम आर टी एस एक्स वाई हो जाएगा बराबर में डेल्टा वाई बटे डेल्टा एक्स हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए को लॉक कर देना बेटा, ठीक है याद कर लेना। नेक्स्ट क्वेश्चन बोला गया है यहां बोला गया है पैमाने के प्रतिफल प्रदर्शित करते हैं, तो पैमाने का जो प्रतिफल होता है वो किसको प्रदर्शित करता है, तो आप कहोगे उत्पादन के स्तर को प्रदर्शित करता है, बचत को नहीं स्तर को, उत्पादन के स्तर को, ऑप्शन नंबर डी को लॉक करना, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन बोला गया दीर्घकालीन कह सकते हैं दीर्घकाल के उत्पादन फलन को कहते हैं, दीर्घकाल का जो उत्पादन फलन होता है उसको क्या बोला जाता है, तो आप कहोगे कच्चे माल की क्या बोलते हैं, सॉरी पैमाने के प्रतिफल बोलते हैं, पैमाने के प्रतिफल, ऑप्शन नंबर डी को लॉक कर देना। नेक्स्ट क्वेश्चन बोला गया है कौन स्थिर लागत नहीं है, तो कौन सा स्थिर लागत नहीं होता है बताइए, स्थिर लागत कौन सी नहीं है, आप कहोगे ब्याज, बीमा लागत, भवन किराया या कच्चे माल की लागत, तो आप कहोगे ऑप्शन नंबर जिसने भी दिया है कच्चे माल की जो लागत होती है वो स्थिर लागत नहीं होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन यहां बोला गया है कौन सा कथन सत्य है, चार ऑप्शन है आपके सामने सत्य कथन बताना है, तो आपको बताएं एसी बराबर होता है, एसी बराबर होता है एएफसी और एबीसी, ठीक है इसको याद रख लेना, ऑप्शन नंबर बी को बहुत ध्यान से, मोस्ट इंपोर्टेंट है, ये सारे इंपोर्टेंट है, यहां से बाहर कुछ नहीं जाएगा याद रखना। ये देखो यहां कह रहा है सीमांत लागत वक्र औसत लागत वक्र को किस बिंदु पर काटता है, तो आप सभी कहेंगे ये जहां औसत लागत न्यूनतम होती है, जहां औसत लागत कैसी होती है बेटा, न्यूनतम होती है, ऑप्शन नंबर बी को लॉक कर देना। नेक्स्ट क्वेश्चन बोला जब कुल उत्पादन अधिक होता है तो सीमांत उत्पादन कैसा होगा, जब कुल उत्पादन अधिक होगा अधिकतम होगा, तो जो कुल उत्पाद की बात की जा रही है, तो कुल उत्पाद यदि अधिक है तो सीमांत उत्पाद कैसा होगा आपसे, मतलब कि ऋणात्मक होगा धनात्मक होगा शून्य होगा, तो आप कहोगे उस समय क्या होगा, शून्य होगा बेटा सीमांत उत्पाद, ठीक है।
नेक्स्ट क्वेश्चन यहां बोला गया है उत्पत्ति हौस नियम को कहते हैं, उत्पत्ति हौस नियम को क्या कहते हैं, लागत वृद्धि नियम बोला जाता है, लागत वृद्धि नियम। ऑप्शन नंबर ए को लॉक कर देना। नेक्स्ट क्वेश्चन यहां आपके सामने है, इस क्वेश्चन का आंसर देंगे कि ऐसे उत्पादन फलन को क्या कहते हैं जिसमें एक साधन परिवर्तनशील तथा अन्य साधन स्थिर रहते हैं। बताइए ऐसे उत्पादन फलन को क्या कहते हैं जिनमें एक साधन परिवर्तनशील हो और अन्य साधन स्थिर हो, तो ऐसे उत्पाद को हम क्या बोलते हैं, तो आप कहेंगे अल्पकालीन उत्पादन फलन बोलते हैं। ऑप्शन नंबर ए को लॉक कर देना। यहां कह रहा है उत्पादन की कितनी अवस्थाएं होती हैं, तो उत्पादन की तीन अवस्थाएं होती हैं, ऑप्शन नंबर बी को लॉक करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है प्रतिहौस नियम लागू करने का कारण है, तो प्रतिहौस नियम लागू करने का जो कारण होता है वो होता है साधनों की सीमांतता और साधनों के परस्पर अनुपूर्ण स्थानपन्नता। ठीक है, ऑप्शन नंबर दोनों को लॉक करेंगे, मतलब कि सी को लॉक करने वाले। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है उत्पत्ति हौस नियम के अंतर्गत औसत उत्पादन और कुल उत्पादन घटता है जबकि सीमांत उत्पादन होता है, कैसा होता है, तो आप कहोगे वो होता है ऋणात्मक, ऑप्शन नंबर हम बी को लॉक करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन यहां बोला गया है निम्न में से कौन सा सिद्धांत अथवा नियम उत्पत्ति हौस नियम पर आधारित नहीं है, तो ये चार ऑप्शन आपके सामने है, इसमें से आपको बताना है कौन सा नहीं है, तो आप कहेंगे वो नहीं होता है, कह सकते हैं माल्थस का संख्यांकी जनसंख्या सिद्धांत, माल्थस का जनसंख्या सिद्धांत, ऑप्शन नंबर बी को लॉक कर देना। ठीक है, अब देखेंगे सभी लोग। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन यहां बोला गया है, देखो रीज रेखाएं संबंधित होती हैं, तो जो रीज रेखाएं होती हैं वो किस पे संबंधित होती हैं, रीज रेखाएं, तो आप कहोगे सम उत्पादन वक्रों पर आधारित होती हैं, सम उत्पादन वक्रों पर, ऑप्शन नंबर बी को लॉक करेंगे। यहां बोला गया है अनुकूलतम फर्म की अवधारणा, ठीक है, किसने प्रस्तुत की थी, जो अनुकूलतम फर्म होती है उसकी जो अवधारणा किसने प्रस्तुत की थी बताइए, तो सभी का आंसर आएगा वो की थी रोबिनसन ने दी थी, ऑप्शन नंबर बी को लॉक कर देना। औसत लागत योग कह सकते हैं लागत योग होती है, तो जो औसत लागत योग किसका होता है आपको बताना है, तो होता है एबीसी और एएफसी का योग, ऑप्शन नंबर बी को लॉक करेंगे। हम यूनिट नंबर चार को देख लेते हैं, ये मोस्ट इंपोर्टेंट, चार यूनिट में क्या क्या रहने वाले हैं उसको देख लेते हैं। आपने अभी तक हमारे यूट्यूब चैनल पेपर हैकर को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लीजिए, और बी ए वाई पेपर हैकर को भी सब्सक्राइब कर लीजिए जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है, बी ए वाई पेपर हैकर, ठीक है, जिसपे हम आपको केवल बी ए की वीडियो प्रोवाइड कराते हैं बाकी कुछ भी नहीं। यहां ध्यान से देखेंगे, कह रहा है यदि पूर्ण प्रतियोगिता के अंतर्गत एक उत्पादन अपनी वस्तु ₹10 प्रति बेचता है तो उसका सीमांत लागत होगा, ये फिर सीमांत लागत कितना होता है ये हमसे पूछा गया है। ऑप्शन चारों आपके सामने है, ₹10 से कम, ₹10 से अधिक, ₹10 या फिर शून्य, तो आप कहोगे वो होता है ₹10, ऑप्शन नंबर सी को लॉक करेंगे। दूसरा क्वेश्चन आपके सामने है, देखो यहां बोला गया है, ध्यान से देखेंगे, यहां बोला गया है यदि क्रेता और विक्रेता की संख्या अधिक हो, नहीं है, क्रेता और विक्रेता की संख्या अधिक नहीं है, वस्तु एक रूप में ही नहीं है और क्रेता और विक्रेता को बाजार का पूर्ण ज्ञान नहीं है, तो ऐसी स्थिति में क्या होने वाला है, तो ऐसी स्थिति में अपूर्ण प्रतियोगिता की स्थिति उत्पन्न हो जाएगी, उसमें क्या हो, अपूर्ण, जैसे अपूर्ण जो प्रतियोगिता होती है उसकी स्थिति उत्पन्न हो जाएगी, तो ऑप्शन नंबर जो भी दिया है ए परम सत्य आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन बोला गया है अपूर्ण प्रतियोगिता में संतुलन के बिंदु पर सीमांत जो लागत होता है, सीमांत लागत को एमसी बोलते हैं, ठीक है, वक्र सीमांत आगम को कहते हैं AR, वक्र को क्या होता है, तो आप कहोगे नीचे की ओर, नीचे से यहां देखो ऑप्शन नंबर एक को करेंगे, नीचे से काटता है, किसको काटता है, जो सीमांत वक्र होता है वो सीमांत आगम को नीचे से काटता है, ऑप्शन नंबर हम, या फिर एमसी को MR नीचे से काटता है, इस तरीके से याद करेंगे। ठीक है, यहां देखिए यहां बोला गया है पूर्ण प्रतियोगिता के अंतर्गत सीमांत, जो सीमांत आगम होता है, सीमांत आगम को AR बोलते हैं, रेखा औसत आगम रेखा के नीचे स्थिर रहती है, अर्थात सीमांत आगम औसत आगम के आगम से कम रहता है, इसका कारण है कि अतिरिक्त इकाई को बेचने के लिए क्या करेंगे, अतिरिक्त इकाई को बेचने के लिए क्या करने वाले हम लोग, तो आप कहोगे फर्म की कीमत घटानी पड़ती है। ठीक है, तो फर्म की जो कीमत होती है उसको घटानी पड़ती है उनको बेचने के लिए, इकाइयों को बेचने के लिए फर्म की कीमत क्या करेंगे, कम करेंगे, घटानी पड़ती है।
यहां बोला गया है डेल्टा सी बटे डेल्टा वाई से क्या समझते हैं, मतलब ये किसका सूत्र है, तो आप बोलोगे सी उपव्यवृत्ति का है, ऑप्शन नंबर ए को लॉक करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन बोला गया है सीमांत उपव्यवृत्ति सदैव रहती है, तो उपव्यवृत्ति किससे संबंधित रहती है, उपव्यवृत्ति किससे संबंधित रहती है, आप बोलोगे धनात्मक रहती है, सदैव जो सीमांत उपव्यवृत्ति होती है वो धनात्मक रहती है। यह बोला गया है विनियोग की मात्रा निर्भर करती है, तो विनियोग की मात्रा किस पर निर्भर करती है बताइए, आप कहोगे वो करती है ब्याज की दर तथा पूंजी की सीमांत क्षमता पर। नेक्स्ट क्वेश्चन बोला गया है कि रोजगार गुणक के सिद्धांत का प्रतिपादन किसने किया था, तो रोजगार गुणक के सिद्धांत का जो प्रतिपादन किया था वो किसने कहा था, वो कहा था कह सकते हैं काहन द्वारा किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन बोला गया है सीमांत उपभोक्ता प्रवृत्ति एवं गुणन के बीच संबंध किस प्रकार होता है, तो आप कहोगे वो होता है धनात्मक होता है, ऑप्शन नंबर सी को लॉक करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन यहां बोला गया है देखिए ए, यहां देखिए यदि सीमांत उपभोक्ता प्रवृत्ति 0.5 हो तो गुणांक का मूल होता है, तो आप कहोगे गुणांक का मूल कैसा होगा, तो आप कहोगे 2 होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन बोला गया है बचत और विनियोग केवल संतुलन की अवस्था में ही समान होते हैं, ये किसका विचार है, ये किसने कहा था, तो आप कहोगे वो स्वेडन कह सकते हैं, ऑप्शन नंबर डी को लॉक करेंगे, स्वेडन के अर्थशास्त्री ने कहा था। नेक्स्ट क्वेश्चन बोला गया है जो स्वेडन के अर्थशास्त्री थे उसके द्वारा कहा गया था पूर्ण प्रतियोगिता में मांग वक्र होता है, पूर्ण प्रतियोगिता में मांग वक्र कैसा होता है, तो आप कहोगे पूर्णता लोचदार होता है, पूर्णता कैसा होता है, पूर्णता लोचदार होता है, ऑप्शन नंबर ए को लॉक करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन बोला गया सम विच्छेद बिंदु के लिए सत्य है, सम विच्छेद बिंदु के लिए जो सत्य है वो है ए आर, देखिए ए आर और एम सी, ऑप्शन नंबर ए को लॉक कर देना। नेक्स्ट क्वेश्चन यहां बोला गया बराबर में होगा बेटा, बराबर में, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन बोला गया ध्यान से देखेंगे, यहां बोला है पूर्ण प्रतियोगिता में दीर्घकाल में क्या होता है, पूर्ण प्रतियोगिता में दीर्घकाल में क्या होने वाला है बताइए, तो दीर्घकाल में कैसा होता है, तो आप कहोगे जो दीर्घकाल होता है पूर्ण प्रतियोगिता में दीर्घकाल, ठीक है। 14वें क्वेश्चन का आंसर उपरोक्त सभी हो जाएगा बेटा, एम सी बराबर ए आर हो जाएगा, ए आर बराबर एम आर हो जाएगा और एम आर बराबर एम सी हो जाएगा, ठीक है, ये ऑप्शन उपरोक्त सभी हो जाएंगे। यहां कह रहा है दीर्घकाल में पूर्ण प्रतियोगिता में फर्म प्राप्ति होती है, या फिर कह सकते हैं पूर्ण प्रतियोगिता फर्म दीर्घकाल में प्राप्त करती है, तो किसको प्राप्त करती है, तो 5वें क्वेश्चन का कहेगा समान लाभ को प्राप्त करती है, ऑप्शन नंबर सी को लॉक कर देना। नेक्स्ट क्वेश्चन यहां बोला गया है एसी और एआर, ठीक है, एसी एआर, एसी और एआर संतुलन की स्थिति को दर्शाती है, तो किसके संतुलन को दर्शाती है, तो आप कहोगे ऑप्शन नंबर 16 का आंसर बताओ पूर्ण प्रतियोगिता फर्म को दर्शाती है, पूर्ण प्रतियोगिता फर्म को, ऑप्शन नंबर सी को लॉक कर देना, ठीक है। चलो इसको देखिए, यहां बोला गया है पूर्ण प्रतियोगिता के अंतर्गत एक फर्म का वक्र कैसा होता है बेटा, 17वें क्वेश्चन का आंसर दीजिए, तो आप सभी कहेंगे वो होता है पूर्णता लोचदार होता है बेटा, पूर्णता लोचदार होगा, ऑप्शन नंबर डी को लॉक कर देना। पूर्ण प्रतियोगिता में क्या होता है, पूर्ण प्रतियोगिता में औसत आगमन बराबर होता है सीमांत आगमन, ऑप्शन नंबर जिसने भी दिया है ए परम सत्य आंसर होगा, ए वाला बिल्कुल राइट है बेटा, ए वाले सभी राइट होंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके सामने, इसको देखिएगा, 2 क्वेश्चन और करेंगे, ठीक है, बाकी खत्म, उसके बाद में पार्ट 2 में वीडियो को देखेंगे। पार्ट 2 में पूर्ण प्रतियोगिता में एक फर्म के लिए, पूर्ण प्रतियोगिता में एक फर्म के लिए क्या होता है, तो आप कहोगे ये सभी होते हैं, जैसे कि ए एम आर बराबर एम सी होता है, ए आर बराबर एम आर होता है, एम आर बराबर एम सी बराबर एम सी, एम आर बराबर देखो ए आर बराबर एम आर और एम आर बराबर एम सी, तो ये सभी उपयुक्त राइट हो जाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन, लास्ट क्वेश्चन इस वीडियो का, यहां बोला गया एक फर्म किस स्थिति में स्वयं कीमत निर्धारित नहीं कर सकती, तो एक फर्म है वो किस स्थिति में स्वयं की जो कीमत है वो निर्धारित नहीं कर सकती, तो आप कहोगे वो होती है अल्पाधिकार जो होता है उसके पोजीशन में, जब आती है अल्पाधिकार के पोजीशन में आती है, तो वो फर्म क्या है अपनी स्वयं पोजीशन को, मतलब कि अपनी स्वयं की कीमत को निर्धारित नहीं कर सकती, तो डी इज राइट होगा। तो ये थे पार्ट 1 में हमने अब तक वीडियो देखा, जिसमें हमने 4 यूनिट फर्स्ट से लेकर 4 यूनिट तक को कवर किया, अब 5 से लेकर 8 तक के यूनिट को हम कवर करेंगे, हम इसके नेक्स्ट वीडियो में पार्ट 2 में
आप वीडियो को भी चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, बेल आइकन को प्रेस कर देना है और ज्यादा से ज्यादा दोस्तों को शेयर कर देना है। कोई भी दिक्कत है तो कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हो। इकोनॉमिक्स की, सोशियोलॉजी की और आपकी पॉलिटी की या फिर जितने भी है वो सारी हम जो एमसीक्यू क्वेश्चन है वो तो करा भी रहे हैं, साथ ही साथ रिटन एग्जाम की भी तैयारी करा रहे हैं। चैनल को भी सब्सक्राइब कर, बेल आइकन को प्रेस कर देना और बीए बाई पेपर हैकर को सब्सक्राइब कर लेना जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है, ठीक है। और इस नोट्स को भी डाउनलोड कर सकते हैं, नोट्स टेलीग्राम पर जाकर डाउनलोड कर सकते हैं, ठीक है। टेलीग्राम का